जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएच यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। साथियों, जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं उसमें से कुछ कोर्सेज के जो हमारे सेंटर है वो चेंज किए गए हैं, कल उसके लिए नोटिस जारी किया गया है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अपने रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो आपका रिजल्ट आना है, जो ऑड सेमेस्टर के आपके एग्जाम हुए थे, फरवरी में आपके एग्जाम कंप्लीट हो गए थे लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसमें से 2 से 3 कोर्सेज का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, बाकी कोर्सेज का अभी रिजल्ट नहीं आ पाया है। अब उसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है और होना भी, क्योंकि अब आपका टाइम इतना हो चुका है, नेक्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्जाम स्टार्ट करा दिए हैं और अभी पीछे के जो सेमेस्टर है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो साथियों, जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, यानी कि रिजल्ट तैयार होने के बाद में अपलोड के लिए गया हुआ है। अब अपलोड क्यों नहीं हो पा रहा है वो चीज अभी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है कि रिजल्ट आपका सर्वर में प्रॉब्लम है, क्या है, क्यों अपलोड नहीं हो पा रहा है। यानी कि रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है, अब आपने इतना वेट किया है तो 1 से 2 दिन का वेट आप और कर लीजिए। जो कमिंग वीक है आपका, उस वीक में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि जो कमिंग वीक है उसमें आपका जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, चाहे वो आपका कोई भी कोर्स है, बीबीए है, बीसीए है, इस कमिंग वीक में आपका रिजल्ट जरूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और कमिंग वीक में भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। जब आपने इतना वेट किया है तो 1 से 2 दिन का वेट आप और कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं उसमें हमारे जो बीएड की डेट शीट जारी की गई है। तो बीएड के जो हमारे एग्जाम होने हैं वो 20 जुलाई से होने हैं, लेकिन उसके जो सेंटर की लिस्ट है, यानी कि जो हमारे एग्जाम सेंटर हैं, उनको एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। यानी कि जो आपके एग्जाम सेंटर हैं उनको फिर से एक बार चेंज कर दिया गया है। तो एग्जाम सेंटर के लिए मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी उनको अपलोड किया हुआ है, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। मैंने फेसबुक पेज पर जो नए सेंटर लिस्ट है, यानी कि पहले आपका सेंटर कहां पर था, अब नया सेंटर कहां पर है, तो वो पूरी जो लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी की है वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दी है। यानी कि फेसबुक पेज पर मैं जितनी भी अपडेट होती है सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब सारी चीजें मैं अपडेट करता हूं। तो यदि आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरा है साथियों, इस बार जो बीएड में एडमिशन होने हैं, इस बार जो सीसीएच यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा सख्त हुई है, क्योंकि इस बार जो बीएड के कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर कोई क्लास चलती नहीं है, उसके लिए इस बार यूनिवर्सिटी ने सख्ती अपनाई है। उसमें इस बार सभी कॉलेजेस का डेटा मांगा है, यदि कॉलेज डेटा अपना नहीं देंगे तो फिर उनको जो काउंसलिंग की लिस्ट है उससे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको एडमिशन लेने की परमिशन नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एक ही टीचर 3-3 कॉलेजों में उनको दिखाया जा रहा है, तो इस बार ऑनलाइन डाटा मांगा है। लास्ट ईयर मांगा था लेकिन कोविड आने की वजह से वो फिर थोड़ा सा मामला ढीला पड़ गया, लेकिन इस बार जो आपका फिर से डेटा मांगा गया है कि जैसे आपका सपोज दैट किसी कॉलेज में बीएड है तो वहां पर टीचरों का डेटा मांगा है कि आप यहां पर कितने टीचर हैं, किन की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, यानी कि उन्होंने एमएड किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। तो इस बार थोड़ा सा सख्त रहने वाला है, तो आप यदि एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएड में तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा कि आप जिस कॉलेज में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज आपका काउंसलिंग में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो साथियों, इसके लिए बहुत ध्यान रखिएगा। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज संडे है, हम लाइव आते हैं 8 बजे, लेकिन हो सकता है आज मुश्किल है कि हम लाइव ना आ पाएं, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हो सकता है आज 8 बजे हम लाइव ना आए। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।